आज हम नमकीन की सब्जी बना रहे हैं, दूध वाली नमकीन की। देखिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब जब तेल गरम हो रहा है जब तो मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। देखो तेल गरम हो गया है, मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, 4-5 काली मिर्च डाल देती हूँ। काली मिर्च चटक गई है, अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच। एक चम्मच राई डाल रही हूँ मैं, 3 बड़े कटे हुए प्याज डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। एक बड़े साइज का टमाटर कटा हुआ है, मैं टमाटर भी इसमें डाल रही हूँ। टमाटर गल जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ। मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमकीन में पहले से नमक होता है, इसलिए मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें, और आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। नमक डालने से क्या टमाटर गल जाएंगे जल्दी। अब जब तक हमको ब्राउन करना, जब तक गलाना है तो टमाटर बिल्कुल गल जाए इसमें। जब तक पकाना है कम मीडियम गैस से पकाना है आपको इसमें। देखिए टमाटर गल गए हैं, अब मैं इसमें 3 हरी मिर्ची डाल देती हूँ कटी हुई। अब मैं मसाले डाल रही हूँ इसमें, 1 चम्मच धनिया डाल रही हूँ मैं। मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची डाल रही हूँ। नमकीन में भी लाल मिर्ची है, फिर आप उस और स्वाद के अनुसार डाल सकते हो मिर्ची भी आप। 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। चुटकी भर के हींग डाल रही हूँ। अब मसालों को मिला देती हूँ। ये देखिए मसाला तैयार हो गया, मैं इसमें हल्का सा पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। वो मसाला तैयार है, और इसमें 2 चम्मच दही डाल देती हूँ मैं। दही डालने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। दही पक जाए उसके बाद हमें इसमें नमकीन डालनी है। देखो मसाले ने तेल छोड़ दिया है, और मैं इसमें 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। गैस कम कर देती हूँ, 1 गिलास दूध डाल रही हूँ इसमें। अब दूध में उफान आने के लिए मैं छोड़ देती हूँ इसको। देखिए दूध में उफान आ गया है, मैं इसमें 1 कटोरी नमकीन डाल रही हूँ। नमकीन ज़्यादा नहीं डालनी कि ज़्यादा डालने से नमकीन वैसे गाढ़ी हो जाती है। मैं 1 कटोरी नमकीन डाल रही हूँ इसमें। सब्जी को पतली रखनी है क्योंकि नमकीन की सब्जी बनने के बाद गाढ़ी हो जाती है। देखिए सब्जी तैयार है हमारी, नमकीन वाली दूध की नमकीन तैयार है। मैं गैस बंद कर रही हूँ। देखिए हमारी नमकीन की सब्जी तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और एक बार ट्राई ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। आपको अगर रेसिपी ट्राई ज़रूर करो एक बार।